सुन भाई चंद्रशेखर रावण, आज मैं तुझे समझाने आई हूं इस समाज के लिए, इस समाज के युवा भविष्यों के लिए। भोत आंदोलन की बात करता है ना तू, और जब आंदोलन खड़ा होता है तो पुलिस के सामने जाके बेहोश हो जाता है और तेरे चाटुकार इधर उधर गायब हो जाते हैं, और उस आंदोलन की आग में समाज के युवा भविष्य, युवा बच्चे झुक जाते हैं उस आंदोलन की आग में। कब तक बर्बाद करता रहेगा समाज के युवाओं को? और तू क्या कह रहा है कि जब लॉकडाउन खत्म होगा तो हम सड़कों पर उतरेंगे, हम आंदोलन करेंगे। तो तू एक बात बता, जब लॉकडाउन खत्म होगा तो ये समाज अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करेगा या तेरे आंदोलन के लिए संघर्ष करेगा? तेरे दिमाग में कुछ और चलता नहीं है क्या? इस लॉकडाउन के पीरियड में भी यही दिमाग में चल रहा है कि कैसे इस समाज के युवा भविष्य को आग में झोंका जाए। और तू एक बात बता, तू बहुजन विचारधारा की बात करता है, तेरी खुद की आइडियोलॉजी क्या है, क्या विचारधारा है तेरी? तू जो काशी राम जी की विचारधारा को लेकर और समाज के युवाओं में नफरत फैलाने का काम करता है आंदोलन के नाम पर, समाज को आग में झोंकने का काम करता है बहुजन के नाम पर, तेरी खुद की आइडियोलॉजी क्या है? तू उस शेरनी से बड़ा हो गया? तू कहां का शेर है? क्या उस शेरनी से बड़ा हो गया तू जिस बहुजन के रथ को वो चला रही है? और ये मूछे ऐंठने से ना कुछ शेर नहीं बन जाता, बहुत मूछे ऐंठता है ना तू? तू क्या बहुजन समाज का जो रथ चल रहा है उसके पहिए रोकने आया है? और कौन पाल रहा है तुझे ये बता तू। ये समाज तुझे समझाने का काम नहीं कर रहा, और तूने ये सोच लिया समाज तो समझा ही नहीं रहा मुझे, तो कोई और भी मुंह नहीं खोलेगा। तो सुन, आज तेरी बहन आ गई है तुझे समझाने, और जब जब तू इस समाज को मिसगाइड करेगा ना, तेरे सामने खड़ी हो जाऊंगी तुझे समझाने के लिए। समाज की तरक्की सर समाज से मिलकर होगी, लेकिन तू क्या डाल रहा है इनके दिमाग में? आंदोलन, ताकि ये तेरा भविष्य सवार दे और अपना भविष्य अंधकार में कर ले, और इसी समाज पे नक्सलवादी होने का ठप्पा लग जाए, जैसा मुस्लिमों पे लगा हुआ है ना आतंकवादी होने का ठप्पा। तो तू क्या इस समाज पर नक्सलवादी होने का ठप्पा लगाना चाहता है? और ये इस समाज के बच्चे कभी भी बिजनेस के बारे में ना सोचे, आगे बढ़ने के बारे में ना सोचे, अपने भविष्य को संवारने के बारे में ना सोचे, नौकरियों में जाके पॉजिटिव सोच ना रखे, यही कर रहा है ना तू? तो सुन ले भाई, जिस तरह योगेंद्र मंडल ने करा था ना, बाबा साहब की आइडियोलॉजी को चुराकर, बाबा साहब की सोच को चुराकर दलित हिंदुओं को, इस दलित समाज को पाकिस्तान ले गया था, और फिर पाकिस्तान में जाकर क्या हुआ उनका पता होगा ना तुझे? मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ा उन्हें, और जिसने मुस्लिम धर्म नहीं अपनाया उन्हें शौचालय साफ करने पड़ रहे हैं आज भी।
तो सुन, अब ये देश, ये समाज कोई भी योगेंद्र मंडल नहीं पनपने देगा, ये सुन ले तू कान खोल के। और रही SC ST लगाने की बात, तू मेरे पे लगवा SC ST कितनी लगवाता है, और नहीं बोलते ना तेरे खिलाफ, कहीं SC ST ना लगवा दे, तू मेरे पे लगवा SC ST। मैं देखती हूं कितनी SC ST लगवाता है तू मेरे पे। अरे जिस बाबा साहब की तू बात करता है ना, जिस बाबा साहब की बात करता है, उन बाबा साहब की बुद्धि चाणक्य बुद्धि थी, तभी तो आज भारतीय संविधान के निर्माता वो कहला रहे हैं, जहां सब लोग उनका विरोध करने पर खड़े थे, वहीं भारतीय संविधान उनके हाथ में सौंप दिया गया, फूल मालाएं डाल दी गई उनके गलों में। तो सोच कितनी चाणक्य बुद्धि के हुए होंगे, और कौन से ऐसे कौन से महापुरुष हुए हैं हमारे जिन्होंने समाज को कत्लेआम करवाने का काम किया है। तेरी समझ में नहीं आता, कोई साहस नहीं कर रहा ना तेरे सामने बोलने का, मैं कर रही हूं। और तुझे राजनीति ही करनी है तो आधुनिक युग की राजनीति करना, कैसे होएगी समाज की तरक्की? तुझे पता है बाबा साहब ने पूरे आजीवन अछूतों को, दलित हिंदुओं को अधिकार दिलाने में अपना समय खपा दिया, लगे रहे आजीवन समाज सेवा करने में, और अपनी पार्टी अपना राजनीतिक नेतृत्व को नहीं स्थापित कर पाए, पता है ना? उससे आगे काशीराम जी जब आए तो उनकी आइडियोलॉजी क्या थी तुझे पता है? उनकी आइडियोलॉजी थी इस समाज में विश्वास डालने की कि तुम भी इस देश के शासक हो सकते हो। तेरी क्या है, तू जो शीशा पिघलाने वाली बात करता है ना, कान में शीशा पिघला के डाला जाता था सुधरों के, या डाला जा रहा है, ये तू हांडी और झाड़ू की जो बात करता है, कौन सी सदी में जी रहा है तू? उसी सदी में जी रहा है क्या? उसी सदी से आया है वो, इस शूद्रों वाले इतिहास से आया है क्या? उसी सदी में जी रहा है ना तू? अरे किसवीं सदी में जी? और एक बात सुन ले, कोई भी इस भारत देश से बड़ा नहीं है, कोई भी इस हिंदुस्तान से बड़ा नहीं है, कोई रावण कोई चंद्रशेखर देश से बड़ा नहीं है, यू तू सुन ले कान खोल के। इस समाज के लिए भी देश ही बड़ा है, तेरे मिसगाइड करने से ये समाज मिसगाइड नहीं हो जाएगा। लॉकडाउन के बाद आंदोलन की बात कर रहा है ना, तो सुन, लॉकडाउन के बाद यही समाज रोटी रोजी के लिए आंदोलन करेगा। तुझे पता है घरों में कैसे बैठे हैं लोग? उनकी जीविका रुक गई, जो अच्छा दो टाइम का निवाला खा रहे थे वो रुक गया, और तू आइडिया लगाता रहे कि कैसे समाज में आग लगाई जाए, अपनी राजनीति चमकाई जाए। तो मैं कह रही हूं सुधर जा, और तेरी बहन आ गई है तुझे सुधारने के लिए। तू चमार का बच्चा है ना,
तो सुन ले, मैं भी चमार की हूं और जाटव की हूं, सुन ले, मैं भी जाटव की बच्ची हूं और तुझे अच्छे से समझाने आ गई हूं, और इस देश से बड़ा कोई नहीं है, कोई भी, ये देश सबसे बड़ा है, और ये नफरत की आग फैलाना बंद कर, बहुत फैला ली तूने। इस समाज के युवाओं को पॉजिटिव सोचने दे, अपने भविष्य के बारे में सोचने दे, और इतिहास गवाह है किसी भी समाज का उद्धार या किसी भी देश का उद्धार उत्थान सोम में नहीं हुआ, जब वो मिलके चला ना तभी हुआ है। तो आज मैं तुझे इतना ही समझा रही हूं बस, अर्शी के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रही हूं, फिर आऊंगी इसे समझाने जब जब यू मिसगाइड करेगा। जय हिंद, जय भारत, और इस देश से बड़ा कोई नहीं है, ये कान खोल के सुन लेना, फिर आऊंगी तुझे समझाने जब जब तू मिसगाइड करेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।